नहीं, बीजेपी कुछ नहीं करती है, बीजेपी कुछ सब सपा वाले करते हैं। सपा वालों के भाई मुसलमानों पे नीचे दबे हुए, ये इनके तलवे चाड़ते हैं, ये हिंदुत्व को दबा रहे हैं, हिंदू हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। इतना फायदा मिल रहा है दिन में, अब खेत भर रहा है आराम से, रात को चैन से सोता है, बस एक ने गैया बाजार रखाने पड़ते हैं, ये भी बाबा इंतजाम कर देगा, इतना कर देगा, इतना भी कर देगा। गाय हमारी माता है, कटने नहीं देंगे। गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं, कटने नहीं देंगे उसको। तुम भूलेंगे मुझे बनकर कांड, कौन भूला मुझे बनकर कांड को? सब सपा 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 काल में क्या ना हुआ? आज आज शांत बैठे, चो शांत बैठे, योगी बाबा की देन है सब ये। हाथी हाथी कहाँ है हाथी? अब मायावती क्यों बोल रही? वाके राज में गुंडा कर दिया भाई, हाथी 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 बाबा कर रहे हो बढ़िया काम, बाबा कर रहे हो बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हो जी। कह रहे बाबा ने कुछ किया ही ना, तो कर रहा है बाबा, क्या हाँ। कर दिया ये तो बता। बढ़िया कर रहा है, देखो गुंडा कर दी ना है, बदमाश सारे बिल में घुस गए। अच्छा हाँ, बाबा ने बाबा ने दुनिया फुसका है, ये तो बदमाश बकरे गुंडा बकरे है ये सब। ओनली योगी बाबा ने बढ़िया काम करे, ओनली योगी बाबा को बढ़िया है। कौन एक साल तक धरना बैठा, किसी सरकार में धरना रहा है? बैठे हो बकवास आदमी हो, हर चीज बैठे थे, अपने अपने लिए बैठे थे, अपने लिए पैसे मिल गए, ओनली पैसा मिल गए, पैसा मिल गया, अपने अपने घर बैठ गए। लुटेरे तो करा रहे इस बात को, जैसे आप लुटेरे हो। योगी बाबा ने काम अच्छे किए और योगी बाबा ही आएंगे यूपी में। क्यों आएंगे भैया? क्या नहीं किया है योगी? और क्या नहीं किया है? सब कुछ किया है, सब कुछ किया। बता क्या, हम पूछो क्या नहीं किया है? आप बता दो। देखो योगी बाबा ने दो साल से जनता कोरोना से परेशान, घर घर अन्न भेजा, गरीबों के लिए गरीब परेशान थे घरों में, उनके लिए अन्न भेजा, अब घर में देखो रिफाइंड भेज रही, तेल भेज रही है, बता खाने के लिए परेशान थे, मजदूरों को भेजते घर में परेशान थे। बता कह रही क्या योगी बाबा गरीब किसानों को ले रहे हैं योगी बाबा, और क्या करे? बिजली मंदी कर दिया, और क्या करे योगी बाबा? अखिलेश जी तो कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे। अरे वो सब झूठा है, फर्जी है, सब सब फर्जी बात है वो सब। भैया जी बहुत आगे बीजेपी में, वाको साल ऊंचा आए को मुलायम सिंह को, अच्छे होते तो उनके संग रहे तो परिवार अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है गुंडे, बाबा गुंडे, बाबा गुंडे, बाबा गुंडा ना है गुंडा है। अब मुझे बनकर कांड को भूल गए, तुम भूल गए मुझे बनकर कांड, कौन भूला मुझे बनकर कांड को? सब सपा काल में क्या ना हुआ? लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रिथम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। आज आज शांत बैठे, चो शांत बैठे, योगी बाबा की देन है सब ये, योगी बाबा को ही चाहिए हमें, योगी बाबा ही आएंगे। भैया अभी तो आपके सामने क्या कहेगा, पंडितों को बाबा ही मरवा रहे हैं। कुछ नहीं, पंडित खुद मरेंगे, जो बदमाश है वो तो मरेंगे ही मरेंगे, जो सही आदमी वो नहीं मरेंगे। ये पंडित नहीं है, ये पूरे पंडित जो किसने मारे आप तो बताओ, बता सब पंडित किसने मारे? बदमाश तो मरेंगे ही, कोई सही चाहे पंडित हो चाहे जाट हो चाहे कोई कोई भी हो, सब मरेंगे बदमाश तो। गुंडागर्दी जो करेगा वो गुंडागर्दी करेगा, मरेगा बाबा उसे मारेगा, बाबा मारेगा उसे। ओनली मायावती है कहीं टक्कर में दिख रही, मायावती न मायावती ना अखिलेश यादव न कोई, ओनली योगी बाबा ही चाहिए, वही आएंगे। जयंत आलिए, जयंत कोई नहीं आएगा, पर सब भूल जाओ, बीजेपी आएगी भैया जी, बीजेपी गठबंधन कर लिया कह रहे बाबा को, मोदी और योगी चाहिए, मोदी और योगी चाहिए, मोदी और योगी चाहिए, क्यों चाहिए? हाँ क्यों चाहिए? जो चाहिए, गुंडागर्दी खत्म कर दिया, दिन दाड़े कहीं भी डोलो, दिए बेटी कहीं डोलो, पहले नाकान छूट ले, बेइज्जती भी होती, तमंचा लहराते डोलते रोड पे, अब बाइकिंग छीन लेते, या सरकार में कहा कहते हैं बहुत अच्छी काम है रहे और टाइट शासन है काम, मतलब सब पहले पहले होती थी ये सारी चीजें, सबको राशन बढ़ रहा है, बाबा की सरकार बढ़िया चल रही है, और ऐसा ही हम तो यही चाह रहे हैं कि यही सरकार रहनी चाहिए, यही सरकार रहनी चाहिए। अब तो उन्होंने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे बिजली हमें बिजली को मतलब नहीं है, झूठ है, सब बकवास है, सब डकैती डारते हैं ये बसपा, और क्या कहते हैं अखिलेश पखिलेश सब के बस डकैती डारते हैं। अरे बाबा गुंडागर्दी ज्यादा कर रहे हैं, बाबा गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं कर रहे, हम किसान है खूब परेशान है गैया बाजार अंतर, पर हम जब फिर भी वोट है योगी और मोदी देंगे, और हम ही लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं के मोदी होने आ गया, और हम वोट योगी देंगे। किसान तो नाराज हैं, योगी ने करोड़ों रुपया गौशाला में खर्च कर दिया, करोड़ों, अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया गौशाला में। अच्छा पता
वो क्या करे, क्या करे, खा जाते हैं बीच के, बीच के पैसे खा जाते हैं। काम तो बाबा का बढ़िया चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है सरकार का। अगर इनका गठबंधन है तो मार्च सीट पे सपा लोक दल वालों ने क्यों पर्चा भरा, क्यों पर्चा भरा इन्होंने? अगर इनका गठबंधन है तो एक पर्चा कोई गठबंधन है, अब तो हट गए एक ही है वहाँ पे, अब तो अब नहीं है, भीतर सूत्री चल रही चाल, मतलब आपस में लड़ाई है। हाँ भीतर जी, हाँ सपार बसपा तो गई कांते, योगी योगी बाबा की जय। जयंत जयंत चौधरी तो एक कठपुतली है, खाली रिमोट कंट्रोल अखिलेश यादव के हाथ में है, सारी जो व्यवस्था है वो अखिलेश जी के अंडर है, बाकी अखिलेश ये जयंत चौधरी तो उनकी कठपुतली है, जो वो अखिलेश जी कह देंगे वो ही जयंत चौधरी कहेंगे। अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे, नाहिद हसन को जानते होंगे, सपा के कैराना के उम्मीदवार हैं, वो खुलेआम के उनके समर्थक खुलेआम कहते हैं कि जाटों में भूस भर दिए जाएंगे अगर जाटों ने वोट नहीं दिया इस बार गठबंधन को, तो कैसे देखते हो इसको? कौन कौन कहते हैं? बाबा ने कह तो दिया है कि जिन लोगों की गर्मी अभी बची हुई है उनकी गर्मी 10 मार्च के बाद में शांत हो जाएगी, उनकी 10 मार्च के बाद में गर्मी शांत हो जाएगी, ये शांत कर देंगे, कर देंगे। और सरकार वही आई तो आगे तो नवाल गुंडागर्दी नेकाद रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगी। सरकार तो बाबा की आनी है, बाबा की आनी, बाबा की आनी है। कह रहे सब नाराज, किसान नाराज, ब्राह्मण नाराज, जाट नाराज, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, किसान ही हम सब, किसान ही है, सब किसान है, सब किसान है, आप भी किसान हो, हम किसान है, मैं सब बताए गरीब किसान हूँ, पर मैं सब ज्यादा खुश हूँ। अच्छा सबसे गरीब हो, सबसे हाँ सब देखो खुश हूँ, तो सब ज्यादा गरीब किसान हूँ और सब देखो हूँ। ऐसा किया क्या जो इतने जो किया क्या नहीं है, अत्याचार खत्म कर दिया उसने, अत्याचार खत्म कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, लोट बैंक के नोट छिना रहे और गैल में लूट लिए, टोंचा लहराते डोल दिए बेटे पकड़ ली जबरदस्ती और थाने पैसा भर दिए, कुछ नहीं हुआ उसका। आज बीजेपी की सरकार में अगर हम आज लड़ाई कर ले हम तुम तो 10,000 रुपए के में फैसला होगा, पानी थप्पड़ मारे मुरे के तो 10 बार हम सोचेंगे खाने को तो भोजन नहीं साले, 10,000 रुपए यहाँ खर्च हो गए, तो लड़ाई दंगे नहीं हो रहे हैं अब, लड़ाई दंगे नहीं हो रहे, पर आरोप तो बीजेपी वालों पर लगाते सारे विपक्षी कि हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी वाले, यही करते हैं हिंदू, यही करते हैं सपा वाले करते हैं, ये तो कांग्रेस और क्या कहते हैं अखिलेश, ये तो मुसलमानों को चाहते हैं, ये तो मुसलमान से पैदा है, मुसलमान से पैदा है। क्या कहोगे भैया आप, कह रहे हैं आरोप लगाते बीजेपी पर कि हिंदू मुस्लिम करती है? नहीं नहीं बीजेपी कुछ नहीं करती है, बीजेपी कुछ नहीं, सब सपा वाले करते हैं, सपा वालों देखिए भाई मुसलमानों पे नीचे दबे हुए ये इनके तलवे झाड़ते हैं, ये हिंदू तुमको दबा रहे हैं, हिंदू हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर सिर्फ अब की हमें योगी बाबा ही चाहिए, योगी बाबा ही चाहिए, योगी बाबा चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए जो देश को काबू कर सके। अखिलेश जी भी तो कह रहे हैं सरकार बन गई, एक साल में राम मंदिर बना देंगे, अखिलेश ने क्या किया पिछले 5 सालों में, क्या किया अखिलेश ने, अखिलेश ने पिछले 5 सालों में क्या किया, उससे पहले अखिलेश था उसमें उसने क्या किया, अब तो परशुराम की मूर्तियां बना रहे हैं, कहां कह रहे बनाएंगे, अभी कह रहे हैं ना, कहने से क्या है, कह तो दुनिया रह रही है, दुनिया करती है झूठे वादे, जब चुनाव होता है तो दुनिया करती है हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, जो करके दिखाए वही तो होता है नेता, वही तो लीडर होता है। कौन है ऐसा लीडर, ये भी बता, योगी जी है, योगी जी, योगी जी है, क्या क्या कार्य हुए हैं योगी सरकार, योगी ने सब कुछ किया है, जो ना जो अखिलेश ने नहीं किया वही योगी ने किया है, वो तो कह रहे सब हमने किया था, अखिलेश जी कह रहे हैं सब हमने किया, बाबा फीते काट रहे हैं बस, बाबा फीते कहाँ काट रहे हैं, अखिलेश ने तो केवल वही तो बनाया, हाईवे ही तो बनाया, बाबा ने फीता काटा उसमें क्या है, सरकार तो बाबा की थी, अगर अखिलेश की सरकार आती तो बाबा अखिलेश फीता काटते उसमें, अखिलेश जी तो सोचते रहेंगे बाबा ने करके दिखाया, बाबा ने बहुत कुछ किया है, बाबा ने भाई युवा हो, बेरोजगारी की खूब बात होती कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ा दी बाबा ने, क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ गई है? नहीं हमें कुछ नहीं लगता, जो मेहनत करेगा वही तो लग पाएगा, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कैसे पनप रही है, बेरोजगारी आज का युवा करना ही नहीं चाहता तो बेरोजगारी तो पनपेगी, जाहिर सी बात है, कोविड आया पिछले 2 साल से कोविड ने वो किया, उसमें सरकार का क्या वो है, ये तो आप वो है आपत्ति है, ये तो कुछ भी हो सकता है, अखिलेश का राज होता तो भी कोविड आता, उसमें भी यही होता, पर कह रहे कोविड में बाबा और मोदी जी ने मरवा दिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो बाबा ने तो बचा दिए, उन्हें ऐसे अखिलेश जैसी गवर्नमेंट होती तो पता नहीं यानी कितने लोग मरते, सारे सारी जनता, ये तो बाबा की मेहरबानी थी, योगी जी की और मोदी जी की मेहरबानी है जो बचे लोग, बचे लोग, अच्छा योगी मोदी की वजह से, हाँ नहीं तो बाबा और ये लोग अखिलेश जैसे लोग होते तो ये मरवा, हाँ क्या कह रहे हो भैया,
युवा किसके साथ है इस बार? मोदी, मोदी राष्ट्रवादी पार्टी, बीजेपी, बीजेपी, हाँ राष्ट्रवादी पार्टी, जो देशवादी पार्टी कह रहे हो, आरोप तो लग रहे हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। नहीं, ये देश की और धर्म की दोनों की सोचती है, देश और धर्म दोनों की सोच रही। कर रहे भी कुछ काम? कुछ क्यों नहीं किए, बता दो थोड़ा सा। हम तो जो कोई नहीं कर पाया वो कर दिया इसने, 370 डाली धारा, और देखो मंदिर राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए, नोटबंदी हटवा, नोटबंदी कर दी, और क्या चाहिए, और अभी 5 साल ही तो हुई है और होगी आगे। अरे इनसे सब नाराज, किसान नाराज, जाट नाराज, ब्राह्मण, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब किसान ही है, सब फेवर में है बीजेपी के, जो करना ना चाहे वो कोई फेवर में ना है, चमचे नाराज है, सिर्फ चमचे नाराज है, और कोई नाराज नहीं है, सिर्फ चमचे नाराज है, सिर्फ चमचे नाराज है, जो किसी का चमचा नहीं है वही वो नाराज नहीं है बस। अंकल जी क्या जाट नाराज है? हाँ नाराज है सर, बीजेपी से, बीजेपी से नाराज है, पर है जाओ कम, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी मतलब नाराजगी तो है, नाराजगी है, तो फिर क्यों बीजेपी? सब बन जाएगी, बीजेपी बनेगी, मना लेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ इनको तो मना लेंगे, ये तो मना लेंगे, आचार जाएगी। और देखो किसान, किसान इतना फायदा मिल रहा है, दिन में अब खेत भर रहा है आराम से, रात को चैन से सोता है, बस एक ने गैया बाजार रखाने पड़ते हैं, ये भी बाबा इंतजाम कर देगा, इतना कर देगा, इतना भी कर देगा, गाय हमारी माता है, कटने नहीं देंगे, गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा करते हैं, कटने नहीं देंगे उसको। लोग तो कह रहे खेत खा गई हमारे, खाने दो, हमारा हरी है, किसानों का हरी है, वो किसान ना है जो बॉर्डर पे बैठे, वो किसान ना है जो गाय के खिलाफ है, वो परेशान है, जो गाय के खिलाफ है वो परेशान है। हाँ कौन है खिलाफ? जो गाय के खिलाफ है, जो कांग्रेस कटवा रहे हैं गाय को, अच्छा वो खिलाफ है, वो खिलाफ है, सपा बसपा के खिलाफ है। और बाबा ने तो बहुत, मायावती कहीं दिख भी रही है? मायावती कहीं नहीं दिख रही, और न बसपा दिख रही, कहूँ कोई किसी नहीं दिख रहा, कांग्रेस का कहीं पे नाम नहीं है, वो नहीं आया नहीं हो कहीं। अरे भाई गठबंधन हो लिया, वो कुछ भी, वो कुछ भी कर ले, उसको कोई वोट नहीं है, सब जगह से गायब है वो तो। अंकल जी एक बात बता दो, गठबंधन हो लिया अखिलेश और आरएलडी का? अजीत सिंह जी तो कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, अच्छा। फिर क्यों बैठ गए उनके साथ? तो गे सब गुंडा है, बाबा तो जीतेगा भाई, बाबा की सरकार बनेगी, बाबा जीतेंगे, गे सरकार गुंडा न की है, ये तो सरकार सही है, बढ़िया सरकार, मतलब अखिलेश यादव की सरकार गुंडे की है, हाँ जी गुंडा की सरकार है। और बाबा ने मंदिर बनवाया, और राम मंदिर अयोध्या में, दुनिया में सड़क बनवा दें, गौशाला बनवा दें, बहुत काम करे हैं बाबा जी, बाबा जी जगह जगह पुलिस है, जगह जगह पुलिस है। और कोई एक बात बताओ अंकल जी, गुंडागर्दी कुछ कम हुई है लग रहा है? हाँ थोड़ी बहुत कम भई है, थोड़ी बहुत पहले बहुत कम, 80% गुंडागर्दी खत्म हो गई, 20% रहोगी अब, क्या और हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी अब, और बाबा खुल के आएगा, बाबा खुल के आएगा। और हाँ, और सुनो मोदी के बाद में, मोदी के बाद में प्रधानमंत्री बाबा ही बनेगा योगी, वो तो कह रहे बाबा सीएम ना बन रहे, नहीं सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे योगी जी, और देखो उसके बाद फिर क्या कहते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बना देंगे।